नमस्ते, लल्लन टॉप की चुनावी टीम इस वक्त शहर सीवान में है। सीवान का नाम सुनकर आपके जेहन में सबसे पहले जो तस्वीर नज़र आती है वो है अपराध की। ये जगह अपने आपराधिक रिकॉर्ड के लिए, अपने आपराधिक घटनाओं के लिए, कई सारी नृशंस हत्याओं के लिए कुख्यात है। और सीवान का नाम सुनकर, उसके अपराध की हिस्ट्री सुनकर जो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन लाइफ टर्म यानी उम्र कैद की सज़ा भोग रहा है फ़िलहाल, और जिस मामले में उसे ये सज़ा हुई वो एक कांड था, तेज़ाब कांड। दो युवक थे, सतीश और गिरीश, उन्हें तेज़ाब डालकर मार डाला गया, उनकी हत्या कर दी गई। उनके पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। उन दोनों, सतीश और गिरीश की हत्या का चश्मदीद उनका अपना बड़ा भाई था, जिसकी आगे चलकर 2014 में हत्या कर दी गई। तो इस व्यक्ति ने, चंदा बाबू, इन्होंने अपने तीन बेटों को खोया है। तो हम इनसे बात करने आए हैं क्योंकि इस चुनावी माहौल में सीवान का वो देखिए कि यहाँ जो दो मुख्य कैंडिडेट खड़े हैं इस बार चुनावी मैदान में, एक हैं हिना शहाब, वो आरजेडी की कैंडिडेट हैं और शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। दूसरी तरफ हैं कविता सिंह, जिनके पति अजय सिंह पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और कुछ मामलों में वो जमानत पर बाहर हैं। तो लोग कह रहे हैं कि कागज़ पर ये दोनों भले कैंडिडेट हों, ये दोनों महिलाएँ, लेकिन असली मुकाबला उन दोनों के पतियों के बीच में है। तो उस पर बाद में बात करेंगे। पहले चंदा बाबू से उस घटना के बारे में बात करते हैं। जी प्रणाम। क्या बताएंगे हमको, आप बताइए, आप कैसे शुरू करेंगे उस कहानी? देखिए, कहानी 16 अगस्त 2004 की है। जहां आप बैठी हुई हैं यही मकान है, इसी मकान को हम बनवा रहे थे। और उस दरमियान शहाबुद्दीन का खबर आया, उनके चमचा बेलचा लोग आए कि 2 लाख रुपया दो, अपना मकान बनवाओ। मकान तो चूँकि बन चुका था, थोड़ा कुछ बाकी था, तो बच्चों ने कहा कि हम लोग भाई पैसा देने में असमर्थ हैं, अब पापा जी नहीं हैं, पापा जी के आने पर आप लोग बात कीजिएगा। उस समय हम पटना में थे, 16 अगस्त 2004 को हम पटना में थे। हमको जानकारी नहीं था कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। नाम दिया लोग कि पंचायत करना, पंचायत में लोग गए थे, लेकिन कोई पंचायत नहीं था। यूं ही लोग मांगने आए कि 2 लाख रुपया, साहब का आदेश है। साहब का फ़ोन आया, शहाबुद्दीन का फ़ोन आया हमारे लड़के के पास कि हमारा आदमी जा रहा है, अब 2 लाख रुपया आप लोग दे दीजिएगा। उसने कहा कि पापा जी नहीं हैं, पापा जी कल आएंगे, तो आप लोग बात कर लीजिएगा। इस पर ये लोग लगा कहने, शहाबुद्दीन का आदेश आया कि देखो इस तरह से पैसा सब नहीं दिखा, वो सबको मार पीट करके ला करके रूम में बंद कर दो, ये भी किसी रूम में बंद करो, इसका बाप आएगा पैसा देगा तब उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। उन बच्चों को जो है मारना पीटना लोग शुरू किए। पहले तो प्रेम से बिठा करके चाय पिलाने लगा, फिर ग्रुप आया कि कौन पैसा नहीं दे रहा है। बड़ा लड़का था यही जो 2014 में जिसकी मौत हुई है, तो इसने कहा कि पापा जी नहीं हैं, भैया हम ही तो बैठाए हुए हैं, तो मारा सो सला के यह पैसा नहीं कह दे। मारपीट शुरू हुआ, दो बच्चों को लोग जो है यहाँ से उठा के, एक बच्चा तो यहाँ से ले गए, एक लड़का हम काला पट्टी के दुकान में था वहाँ से ले गए, और प्रतापपुर शहाबुद्दीन के गांव में ले जा करके शहाबुद्दीन, उस वक्त जो है जिस वक्त पैसे का मांग किया गया था, यहाँ कहानी जो है यहाँ मुड़ लेता है कि जिस वक्त पैसा वो लोग मांगा, ये लोग इनकार किया,
और मारपीट शुरू कर दिया, तो ये गिरीश नाम का जो मेरा लड़का है, इसी में नीचे दुकान था, इस दुकान का उद्घाटन स्वयं शहाबुद्दीन और अवध बिहारी चौधरी ने किया था। उसी समय जब हम यहाँ बैठे हुए थे, उद्घाटन के समय भी शहाबुद्दीन का निगाह जो है हमारे मकान के चारों तरफ घूम रहा था। उनके दिमाग में ऐसी बात आई कि यह मकान तो हमको होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर पर है, सिवान का कॉर्नर है, ये कैसे ले लिया। अगर देखिए, खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमसे कहे होते कि ये मकान तुम हमको दे दो तो हम खुशी खुशी दे दिए होते, लेकिन दो लड़कों को मारने के बाद अब पटना में हम थे, हमारे पास भी खबर गया कि हाँ, उस वक्त जो है मेरा एक लड़का था, देखा कि भाई भी पिटा रहा है, तो थाना पर फोन करने लगा। शहाबुद्दीन का चचेरा भाई गया, किसके पास कहाँ फोन कर रहा है, तो कहा कि थाना पर। अच्छा, तोरा चिन्हत ने किस के आदमी है, केकर आदमी है, आ कह कर गया, फोनवा उसके हाथ से छीन लिया, आ कालर पकड़ के दुकान पर से खींचने लगा। वो अपना कालर छुड़ा के अंदर भागा, और लड़की में डालने वाला तेजाब रखे हुए था, जो जो लोग उसके भाई को पीट रहे थे, कोई पिस्टल भी रहा था, कोई जूता से मार रहा था, कोई चप्पल से मार रहा था, कोई बत्ता से मार रहा था, और यही जगह एक लड़का पिटा रहा था। तो उसने वह तेजाब ला करके उन लोगों के ऊपर, लैट्रिन में डालने वाला ऐसी था, अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि न उसके पास कोई हथियार था, न ईटा पत्थर था, और न कोई चीज़ था, अपनी सुरक्षा में वो दिखा। और उस वक्त जो है उसको पकड़ के, कालर पकड़ के खींचा, शहाबुद्दीन का चचेरा भाई जब खींचा तो देह छुड़ा के अंदर भागा। उस समय हमारे दुकान में सामान बाहर से आया हुआ था, 2.5 लाख रुपया ऑलरेडी मौजूद था, 2.5 लाख रुपया लड़का ला कर रखा था कि महाजन को देंगे। जब टूना में अंदर ढुका तो 2.5 लाख रुपया निकाल दिया। लड़के ने देखा कि पैसा भी ले लिया, अब भाई भी पिटा रहा है, हम क्या करें। उसके दिमाग में बुखार कर गई कि वो जो है लैट्रिन में डालने वाला तेजाब डाल दिया मग में, और जो जो पीट रहे थे, यहाँ चीत पड़ा हुआ था, बड़ा भाई चीते पड़ा हुआ था, और उन लोगों पर ला कर फेंका तो 2-3 लोगों को पड़ा, और इसका भाई जो नीचे पड़ा हुआ था उसके शरीर पर भी छींटा पड़ गया, बड़ा कहा जाए इसके पूरे शरीर पर तेजाब का छींटा था, तो चीते गिरा हुआ था, तो इस पर भी पड़ गया। खैर, जब हल्ला गुला हुआ तो लोग भागे यहाँ से, यहाँ से भागे कि तेजाब बिगलस। ये लड़के को भी जगह मिला कि लोग हटा भाई, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो ये अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकला। तो दो मोटरसाइकिल मेरी बाहर खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल तो लेकर सब चला गया, एक मोटरसाइकिल से ही भागा, थाना पर गया, कचहरी में गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से ही भाग रहा था स्टेशन के तरफ, तो वहाँ एक रामराज मोड़ है, वो रामराज मोड़ पर जब गया, कुछ लोग पसीनिया मोड़ कहते हैं, कुछ लोग रामराज मोड़ कहते हैं, कुछ लोग DAV मोड़ कहते हैं, तो वहाँ जाने के बाद जो है वो लड़के का मोटरसाइकिल शहाबुद्दीन का गुंडों ने छीन लिया, और उसे भी पकड़ कर लेकर चले गए, हमारे तीनों लड़के चले गए। और उसी रात शहाबुद्दीन जेल से गया, जेल से, क्योंकि जेल से प्रतिदिन पूरा सिवान जानता है कि प्रतिदिन रात में रहता था अपने घर पर, और दिन भर रहता था जेल में, कहने के लिए जेल था, दिन भर जेल और रात भर बेल, ये स्थिति सिवान की थी। किसी जज के पास अगर कोई फैसला जाता था तो वो जैसा आदेश देगा कि यही फैसला करना है, जज को वही करना होगा। किसी थाने पर अगर किसी का केस गया तो थाना प्रभारी कहते थे कि यहाँ नहीं, चले जाओ साहब के पास, फैसला वहीं से होगा। तो थाना प्रभारी माने थाना नाम और प्रशासन नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं थी, जो कुछ था शहाबुद्दीन था, हर
दुकान पर शहाबुद्दीन की तस्वीर बांटी गई थी, हर जगह तस्वीर को टांगा गया था। लोग जैसे देवी देवता को अगरबत्ती दिखाते हैं, उस तरह से अगरबत्ती अपने दुकान में लोग दिखाते थे। जिसके यहाँ मालूम हो कि जिसके यहाँ कैलेंडर नहीं है, जिसके अंदर दुकान में शहाबुद्दीन का फोटो नहीं है, उस दिन उसके दुकान का ताला बंद कर दिया जाता था, बंद कर ताला। तो ये सारी घटनाएं उस समय थी। शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा बोलबाला था यहाँ। वह बोलबाला इसलिए था कि कभी किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। लोग डर के मारे जो है सहमे हुए थे, डर से एक शब्द उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था। और यह भी दिखावे के लिए हमारे बच्चों को मारा गया कि सिवान थर्रा जाए, सिवान के लोग एक जुबान कुछ हमारे विपक्ष न बोले। इस वजह से तो ये लड़का किसी तरह से हमारा, दो लड़कों को तो गया, जेल से निकला। जाने के बाद वहाँ इन लोगों को तेजाब मंगा करके नहलवाया, नहलवाने के बाद टुकड़े में काटा, टुकड़े में काट करके बोरे में कसवा दिया, नमक डलवा दिया और फेंकवा दिया। ये बड़ा लड़का जो है इसको रखा, इस साले को रखो, कहा कि इस साले को रखो, जब इसका बाप आएगा अपना मकान लिख देगा तो इसके लालच में, इसके एवज में, इसकी बदौलत वो अपना मजबूरी में जो है मकान तो लिख ही देगा। तो इसको बचाने के लिए जब वो मकान अपना लिख देगा तो इस साले को भी मार दिया जाएगा, इसके बाप को भी मार दिया जाएगा, इसको भी मार दिया जाएगा, उसको भी मार दिया जाएगा। यह करके इस लड़के को लोग रखा, हम तो थे नहीं, लेकिन रात में किसी तरह से ये लड़का जो है लैट्रिन के बहाने भागा हो या किसी तरह से वहाँ से निकला, तो पीछे मकई का खेत था उसमें ढुका, दौड़ते भागते किसी तरह से बाहर आया तो एक ऊख की गाड़ी लदी हुई थी, ट्रैक्टर था, ऊख की गाड़ी पर आके सो गया। जब गाड़ी, वो ट्रैक्टर की गाड़ी खुली तो उससे जाके ऐसी में सिसवन रसू ऐसी सिसवन के तरफ जाके गाड़ी जब रुकी तो उसमें से उतर गया। उतरने के बाद जो है अब वो कहाँ गया किसी को पता नहीं, आप लोगों को भी नहीं खबर, किसी को पता नहीं कि वो लड़का कहाँ गया। ये लड़के के बारे में हम लोगों को मालूम हुआ है करीब 5-6 महीना के बाद। अच्छा, वो 16 अगस्त 2004 के दिन जब उसने अपने, उन्होंने अपने दोनों भाइयों के साथ ये घटना होती हुई देखी और वो वहाँ से भागे, उसके 5-6 महीने तक आपको भी उनके बारे में कोई खबर नहीं है, न हमारे बारे में उसको पता है, न हमारे बारे में हमारे परिवार को पता है, और न हमारे परिवार के बारे में हमको पता है। हम पटना में थे, ऐसी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमको पता लगा कि सिवान में घटना घट गई। अपना नाम देखा तो वहाँ से फ़ोन किया अपने घर पर, घर का फ़ोन नहीं उठा, बगल में फ़ोन किया, और तब तक शहाबुद्दीन के लोगों का फ़ोन गया हमारे भाई के पास, हम अपने भाई के पास थे, वहाँ कोई फंक्शन था, 16 तारीख को हम रुके हुए थे, तो वहाँ फ़ोन गया कि चंदा जी होकर सुनकर के PMCH भेज दो, का बात हुआ तो उनका लड़का कौन छत पर से गिर गया। हम पता किए तो यहाँ से अगल बगल के लोगों ने कहा कि ना ना चाचा भुलाइयो करबा मत जाए, रोबा दू गो लड़कन के तो उठा ले गए सब मार दिया सर, और रोबो के बोल रहा सर रोबो के जाए रोबा तो रोबो को मार दिया सर। ट्रैपिंग थी आपको बुलाने के लिए? हाँ, हमको बुलाने के लिए ये ऐसा किया कि वो आएंगे तो मार दिया जाएगा। तो खैर हम सुने, उसके बाद वहाँ से फ़ोन किए, अगल बगल लोगों के पास फ़ोन लगा, हमारे घर में फ़ोन नहीं लगा, क्योंकि इन लोगों को आकर के अगल बगल के पड़ोसी ही या कोई लोग भी कि घर में अब मेहरारू आ बच्चा बाड़ू लोग कहीं आके तोहरे लोग बेइज्जत कर दो, सब कुछ कर दो, सब तू लोग का कर बोलो, तू लोग मत रहा भाग जाए घर से।
तो ये लोग उसी रोज जो है अपना सर सामान जो जहाँ है तहाँ छोड़ छाड़ते, ये मकान नहीं था, हम किराए का मकान नहीं थे उस समय, तो बन रहा था, ये तो बन रहा था, अरे बन कर रहा था, बन गया था लगभग, इसमें दुकान भी हमारा नीचे खुल गया था, उसका उद्घाटन जो आकर के वहीं कराया था, साइकिल की दुकान, साइकिल की दुकान हमारे दुकान के बगल में थी, किराए में थी, और साइकिल वाले के दुकान से हथौड़ी थोड़ी लेकर के ताला तोड़ करके घर में से निकाल ले गया सब, तो बच्चे को यहाँ से पकड़ लिया। उसके बाद जो है ये जो लड़का घर में छुपा हुआ था तो उसको ये लोग पकड़ ले गया, वो तो चला ही गया। वहाँ की बात बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन ने ऐसा किया, ये लड़का किसी तरह से भाग निकला, किसी तरह से अपनी जान बचाई, सुरक्षा बताया, सुरक्षा लिया, हमको पता नहीं था, हमने फ़ोन किया सिवान में तो सिवान के लोग यही कहते थे कि अब सिवान तोहरा इलाके काम नहीं है, वही जी हनुमान जी का मंदिर में रहो, पटना में बढ़ो तो अब बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, भाई हम करेंगे क्या, खाएंगे कहाँ से, हमारे परिवार कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, जो बचा हुआ परिवार है वो कहाँ है, हमको पता नहीं है, अब तो वो लोग सिवान में नहीं हैं, कहाँ गए किसी को पता नहीं है, ये लोग भी इन लोगों का तो मालूम ही नहीं कि मैंने ये लोग जाने के बाद जो है किससे कहें कि हमारे पास खबर पहुँचे, और हम कहाँ हैं ये भी इन लोगों को पता नहीं। वहाँ भी हमारे एक भाई थे तो उनको किसी तरह से लेकर के हम लालू जी के पास, उदित राय छपरा वाले हैं, उनको लेकर के साथ में गए। यहाँ और बिहारी चौधरी उस समय कबीना मंत्री थे, उनके पास हम लोग तीन बार गए। लालू जी ने क्या कहा? इनसे कहा गया, बता रहे हैं कि कबीना मंत्री जो और बिहारी चौधरी हैं इनके पास हम लोग गए तो इन्होंने कहा कि भैया आज हम नहीं जाएंगे, तभी यह ठीक नहीं है। दूसरे दिन कहा कि दवा खा के लेटे हुए हैं आज छोड़ दीजिए। तीसरे बार गए तो कहते हैं कि भाई इलेक्शन का समय है, अभी मौलवी साहब आ रहे हैं, इन लोगों को देखेंगे तो बात गड़बड़ा जाएगी, कह दीजिए ये लोग चले जाएं। दूसरे दिन हम लोग गए तो स्पष्ट कहते हैं कि देखिए हम बार बार हमारे पास आप लोग को बेकार आते हैं, हम कहो क्षेत्र में रहते हैं, कहो पटना रहते हैं, अगर हम लेकर के लाल जी के पास गए तो यही कहेगा कि पीठ पर होकर के गए थे, हमारे यहाँ कुछ शहाबुद्दीन करवा देगा तो हम क्या करेंगे। ये आरजेडी के नेता कह रहे हैं, मंत्री कि हमारे यहाँ कुछ करा देगा तो हम क्या करेंगे, तो ये अपनी असमर्थता जताए नहीं गए बेचारे। आरजेडी के ही नेता थे उदित राय छपरा वाले, वो बेचारे तैयार हुए, लालू जी के पास हमारे भाई गए, उदित राय गए, हम भी थे, तो वहाँ जाने के बाद यही कहा गया कि हम ये तो जो है सिवान में थे नहीं, इनके साथ ऐसी सी घटना हो गई है, दो बच्चों को मार दिया गया है, लेकिन हजूर जो बच गया है आप सिर्फ इतना कह दीजिए शहाबुद्दीन से कि जो बच गया है उसको बचा लिया जाए। ये बात लालू जी से कही गई, लालू जी से कही गई कि जो बच गया है उसको अब बचा लिया जाए। तो लालू जी भी इससे डरते थे, लालू जी ने स्पष्ट कहा कि भैया ये सिवान का मामला है, उससे हम कुछ नहीं कहेंगे, जब लालू जी नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन। हमारे भाई उदास हो गए अब इससे आगे हम कहीं जा नहीं पाएंगे। तब तक हमारे भाई के पास फोन गया कि रे तुम ही ना है बैंक वाला, तुम ही ना अपना भाई को और उदित राय को लेकर के गया था अध्यक्ष महोदय के पास, तुम्हारा हम लोग मकान जानते हैं, तुम्हारा नंबर मालूम है, और तुम्हारे परिवार के का कौन कौन कहाँ रहता है सब मालूम है, कुर्सीनामा मंगवाया था हमारे परिवार का, तो तुम्हारा भी अंजाम बहुत बुरा होगा सोच लेना। जब ये बात उनके पास खबर गई तो वे हमसे बोले कि बाबू आज तक के बाद से हम रणी हैं पटना में, लेकिन काल से हम ना रहब, हम अपन ट्रांसफर करा ले, हमरो अपना जीवन के बारे में सोचे करें। उन्होंने ट्रांसफर, वो डर गए और उन्होंने ट्रांसफर दिन आज ये बात हुई और दूसरे ही दिन उन्होंने ट्रांसफर कराया, बॉम्बे चले गए। अब बॉम्बे जाने के बाद
भी उनको किसी ने पिंच किया। नतीजा ये हुआ कि एक डेढ़ महीना के बाद, माने अगस्त के बाद ही सब तमाशा चला, और जनवरी 24 जनवरी को हार्ट अटैक में मारे गए आपके भाई। उनके पास भी खबर गया हार्ट अटैक में, वो भी साहब, वो हमसे बड़े थे, पटना रिजर्व बैंक में एजीएम थे, वो भी बेचारे पार कर गए। अब हम पर गए असहाय, करें क्या, तो अब अकेला हम समझ में नहीं आता था कि क्या करें। कभी मन में आता था कि अब जी नहीं पाएंगे हम, पता करते थे कि मेरा परिवार कहाँ है, परिवार के बारे में हमको पता नहीं लगता था कि लोग कहाँ है, इन लोगों को पता नहीं था कि हम कहाँ हैं, वो तो हमको छोड़कर चले गए। तो फिर जाकर के महावीर जी के मंदिर में 5-7 रोज वहाँ रहे, वहाँ मेरा डायरेक्टरी और कुछ पैसा पैकेट में पास किसी ने निकाल लिया। तो एक रविंद्र मिश्रा कांग्रेस के हैं बेचारे माजी के, उनके यहाँ जा कर के बैठ के हम रो रहे थे। जब उन्होंने सुनी, अपना परिचय हम दिए, तो उन्होंने कहा कि आपको यहीं रहना है, किसी को नहीं बताना है कि आप कहाँ हैं, और जहाँ मर्जी में आप यहीं से जाइए, और कहीं से आइएगा तो खाना रहेगा बना हुआ, हमारा बॉडीगार्ड सब है, बनाएगा उसी में खाना बन जाएगा, खा लीजिएगा। तो वहाँ किसी तरह से महीना डेढ़ महीना उनके यहाँ गुजारे बेचारे, चाय नाश्ता के लिए या टेम्पो वगैरह करने के लिए 500 रुपया भी हमको दिए थे। एहसान है, खैर वो तो हम जाके उनका चुकता कर दिए। गए थे मिठाई भी ले गए थे आने के बाद से, उनके पास मिले भी थे, तो बहुत मायदार आदमी है बेचारे, किसी के तकलीफ को समझते हैं। तो खैर किसी तरह से हम माने दौड़ते दौड़ते एक रोज राबड़ी से भी मुलाकात हुई, 15 रोज हम दौड़े लगातार। तो एक रोज रात को लोग हेलीकॉप्टर से आया, पता लगा कि लोग आया है, तो आदेश हुआ अंदर से, लालू का आदेश आया कि इलेक्शन का समय था कि केवल सोनपुर के लोग आएंगे, केवल सोनपुर के लोग आएंगे, सोनपुर के लोग ही आएंगे अंदर, बाकी लोग आए हो तो कि सबका है जो है ऐसी ले लीजिए, एप्लीकेशन ले लीजिए और सबको छोड़ दीजिए, उस पर विचार होगा। हम कह के भाई हम उतने के लिए, मन में सोचे कि उतने के लिए एप्लीकेशन देना हम नहीं आए। एक बार तो हमारे भाई आए थे तो हम लोग दुत्कार दिए गए, वो कह नहीं पाए, लेकिन इस बार हम हिम्मत बांध करके जो होगा होगा देखा जाएगा। तो सोनपुर का ग्रुप ही जाएगा, और हम ये सोचे कि कौन जानता है कि हम सोनपुर से हैं कि सिवान से हैं, उस सोनपुर वाले ग्रुप में हम भी इंटर कर गए। वहाँ जाने के बाद इलेक्शन की बातें होने लगी, कौन जो है क्या गाड़ी देगा, क्या खर्च देगा, उसके बाद उन लोगों से बात हुई, फिर जो है कुछ कर्मचारी लोगों से बात हुई। हम सोच रहे थे कि हम कब कहें, रात में 10:30 बज रहा था, जो भी वहाँ सुनता था हमारी मजबूरी तो कहता था कि शहाबुद्दीन की बात आप ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, पैदल आते हैं जाते हैं, रास्ते में ही कोई कोई आपको मार दे तो किसी पता लगेगा आपका। हम कहें कि मालिक ऊपर वाला है, भरोसा ऊपर वाले पर है। हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे, दिन भर चक्कर मारते थे पैदल पटना में, 4 महीना चक्कर मारे। दाढ़ी हमारी इतनी इतनी बड़ी, भी फोटो मेरे पास कहीं होगा, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, बाल इतना इतना बड़ा हो गया था। जब इसकी शिकायत FIR कब दर्ज हो पाई? इसकी FIR दर्ज जो है, हमारी पत्नी जिस रोज थी, जिस रोज की घटना है, उसके दूसरे दिन मैंने तो हला गुला हुआ, पुलिस गई, पुलिस जा करके उसी रोज पुलिस गई रात में जा करके इनसे सब पूछी कि आपको क्या कहना है, क्या मालूम है, तो ये क्या जानते हैं कि हमारे दुकान में यहाँ क्या हुआ, अच्छा वो दुकान में क्या हुआ, ये तो घर में रहने वाली, हम लोग किराए के मकान में रहते थे, इनको कुछ पते नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नौकर हमारे गए तो जा कर के बताए कि ऐसी सी बात है, भैया लोग का पकड़ कर लोग ले गए, इनको यही पता था।
जितना पता था ये पुलिस को बतलाई। शहाबुद्दीन का नाम आया था? शहाबुद्दीन का नाम आया था, उसमें शहाबुद्दीन का नाम ही बताई थी कि उनका पकड़ कर लोग कहते कि शहाबुद्दीन के आदमी रहा है, अब पकड़ के ले गए सर लड़का लड़का मार दहल लो, शायद नाम आया था। अथवा जो है हमको याद नहीं है, ये लड़का जब गवाही दिया है लड़का, तो जब उसको मालूम हुआ कि लड़का भी है जिंदा है बचा हुआ है, तो कई बार उसने खबर दिया इसके पास भी गोरखपुर सब जगह से महाराणा कुछ दिन रहा, कुछ दिन ऐसी में रहा कानपुर में रहा, उसके बाद गोरखपुर में था, दौड़ता भागता छुपता रहा। फिर क्या उस वक्त में गोरखपुर में इसको दुकान हमने खुलवा दिया, कब तक दौड़ोगे, मोबाइल का एक दुकान खुलवा दिया। तो वहाँ इसके पास कई बार खबर गया कि तुम जो कहो तुमको दिलवा देते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन का नाम इसमें नहीं आना चाहिए, गवाही में शहाबुद्दीन का नाम मत दो, जितना चाहो जो कुछ चाहो तुमको दे दिया जाएगा। इसने कहा कि नहीं, हमारे भाइयों को तो नहीं दे पाएंगे, सब कुछ देंगे लेकिन हमारा भाई नहीं दे पाएंगे, गवाही हम देंगे। इस मामले ने, ये मामला बहुत हेडलाइंस में आया, ठीक है, हर जगह इसकी बात हुई, खबरों में आया। उसके बाद जब बड़े बेटे की हत्या हुई 2014 में, पहली घटना के ठीक 10 साल बाद, आपको, आपका कहना है उस मामले में अभी फैसला नहीं आया, लेकिन आपका पक्ष क्या कहता है, आपको क्यों लगता है कि उसके पीछे भी शहाबुद्दीन का ही हाथ था? मुझको लगने वाली बात नहीं है, एक नहीं मैंने कई बातें हैं। एक तो जब वो लड़का गवाही देने गया था, गवाही उसकी दो बार हुई, एक गवाही तो उसकी हुई पहले, तो उसमें किडनैपिंग का केस जो है, यहाँ के जज जो है किडनैपिंग में दिए हुए थे कि केवल किडनैपिंग। सरकारी वकील ने अपील किया पटना हाई कोर्ट में, यह तो केवल किडनैपिंग का केस नहीं है, ये तो मर्डर का केस है। तो पटना से आदेश आया कि नहीं, इसमें 302 जोड़ा जाए और एक और कौन जो है ऐसी है, क्या नाम है, कौन धारा है, दफा 302 और एक और कोई धारा है, जोड़ करके तब जो है इसको देखा जाए और इसमें फिर से गवाही किया जाए। तो फिर से गवाही होने वाली बात थी, तो फिर से गवाही होने वाली जहाँ बात थी, तो ये लड़का जो है 6 महीने पहले से यहाँ रह रहा था, बीच में आया था डरते डरते, 5-6 महीने के बाद आया है, तो बीच में आया तो अपनी गवाही जो है देने के लिए ही आया कि हम गवाही देंगे। अभी SDPO जो खड़े हैं हमारे, पहले SDPO थे, अब जो है DIG से रिटायर किए हैं सुधीर बाबू, इलेक्शन में खड़े हैं अभी, उन्होंने इसमें बहुत मदद की थी, उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि वापस लौट आइए सिवान, सुरक्षा दीजिए। हाँ, और जब उसको उम्र कैद की सजा की दी गई, तो उतनी ही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। इस मकान में, किराए का मकान से डर के मारे हम इस मकान में नहीं आ रहे थे कि जाएंगे तो सब हमको ही मरवाएगा और ज़बरदस्ती दखल भी कर लेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहला कदम मेरा होगा, दूसरा कदम आपका होगा, आपके यहाँ एक कप चाय हम नहीं पिएंगे, वहाँ चलिएगा तो लिट्टी चोखा खा लेंगे, लेकिन आप अपने मकान में चलिए, पहला कदम मेरा होगा तो दूसरा कदम आपका, लेकिन अपने मकान में चलिए। तो वो किसी तरह से हमको इस मकान में लाए, जब उसको उम्र कैद की सज़ा हुई तो हाँ, तो मेरी दाढ़ी और बाल जो बढ़ी हुई थी, दाल बाढ़ी जो है उन्होंने ही, इन्होंने ही कटवाई, किसको अब कटवा दीजिए, ये शोभा नहीं देता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय दाल बाढ़ी भी उन्हीं ने हमारी बाल बदारी को कटवाया। आपके परिवार पर बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी आपने, आपके ऊपर बेशक बहुत प्रेशर रहा होगा, बहुत धमकियां मिली होंगी, आप बता भी रहे हैं,
इस परिवार, इस स्ट्रगल का, इस दोनों घटनाओं का क्या असर हुआ आपके परिवार पर, क्या लगता है? देखिए, यह लड़ाई जो है पत्रकारों ने और आप मीडिया वालों ने लड़ी, मैं उस काबिल कहा था। मैं क्या कुछ कर पाऊंगे, ये मेरे समर्थ की चीज नहीं थी, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिला और ये केस जो है खड़ा हुआ। ना आप लोगों का सहयोग मिलता और ना हमको न्याय मिलता, शाहबुद्दीन पर और भी कई मामले चल रहे हैं जिनमें फैसला नहीं आया। क्या लगता है शहर ने इतने बड़े अपराधी को, एक व्यक्ति कैसे इतना बड़ा हो गया कि उसका इतना दबदबा था, लोग उससे इतना डरते थे और उसने सिवान शहर की सारी पहचान को एक किनारे करके वो पर्यायवाची बन गया इस शहर का, उतना खौफ कैसे इतना बड़ा हुआ वो शख्स? देखिए, ये शख्स को बड़ा होने का मेन मुद्दा लालू यादव थी। लालू यादव का बदोदहस्त था शहाबुद्दीन के ऊपर। लालू यादव चाहे जो कुछ भी शहाबुद्दीन करे, लालू यादव को अपनी कुर्सी प्यारी थी। शहाबुद्दीन के समर्थन में पाँच सात जो है विधायक थे, अगर शहाबुद्दीन के साथ जो है कुछ गलत करते या शहाबुद्दीन हट जाता तो पाँच सात विधायक उनके खसक जाते और उनकी कुर्सी जो है बरकरार नहीं रह पाती। तो आप ठीक है, आपने नेता, एक नेता से, एक पार्टी से अपनी वो की बिल्कुल, क्योंकि पैट्रनेज तो पावर देती है ना, राजनीति पावर देती है, तो शहाबुद्दीन को शायद वहाँ से पावर मिली हो, लेकिन क्या आपको लोगों से शिकायत नहीं है? लोगों ने उसे जिताया, वो विधायक बना, वो सांसद बना, तो वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होकर चुना गया ना। लोगों ने नहीं जिताया, लोगों ने जिताया होता तब तो बातें अलग थी। लोग नहीं जिताते थे, वो अपने बल पर जीतता था। लोग डर के मारे कांपते थे। 2004 के पहले हम जितनी बार वोट देने हम गए हैं, एक बार भी वोट नहीं दिए हैं। उसके अपने समर्थक हर बूथ पर खड़ा रहते थे, जो भी जाता था वोट गिर गए, जो बैक वोट गिर गए, जो वोट गिर गए कहाँ पर दे रहे हैं पर, अच्छा जो जाके दे ले, कहाँ कोई कहता है अरे भाजपा है भाजपा, हटा हटा जल्दी हटा, अरे भाग भाग वोट हो गए भाग, लोग हटा दिया करते थे, वोट उत्तर से गिर जाता था। लेकिन 2005 में जो है इलेक्शन हुआ है, 2005 के इलेक्शन में नीतीश कुमार का ऐसी था दबदबा था, उस समय राजद और नीतीश अलग अलग थे, उस समय से ये इलेक्शन जो है सही तरीक़े से हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जब 2005 में सत्ता बदली, ठीक है, नीतीश कुमार आए, तो क्या ये रिजीम चेंज होने का, ठीक है, लालू के सत्ता में ना रहने का, क्या इसका कुछ मिला आपके केस को सपोर्ट? क्या आपको लगता है कि आपका केस इसलिए आगे बढ़ पाया या एक मामले में इसलिए फैसला आ पाया और शहाबुद्दीन को सज़ा मिल पाई क्योंकि सत्ता बदल गई थी? जी, सत्ता बदल गई थी। इसमें मैंने भागलपुर से निकलने के बाद नीतीश कुमार को भी उसने कुछ अपशब्द बोले थे जिसके वजह से वो भी नाराज थे और हमको दम मिला नीतीश कुमार के शासन में। नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया और उन्होंने हमारा सहयोग करके शहाबुद्दीन को तिहाड़ भिजवाया। मुझे एक सवाल इस पर ये भी करना है कि आप
आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सहयोग दिया, तो मेरा ये सवाल है कि आज आपके शहर में, आज इस सिवान लोकसभा सीट में जो दो मेन प्रत्याशी हैं, एक हिना शहाब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, ठीक है, और वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लोग कह रहे हैं क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकता इसलिए ये एक किस्म से एक वो है, अपनी पत्नी को खड़ा करना, वो संकेतात्मक है, असलियत में लड़ाई वही है, ठीक है, उसकी है, हिना शहाब अपने पति के लिए लड़ रही हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू के टिकट पर, जेडीयू ने ही टिकट दिया कविता सिंह को, जिनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं कि उनके पति अजय सिंह के खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ जब नीतीश अपनी सुशासन बाबू की छवि बनाते हैं और इतना वो दिखाते हैं कि अपराध को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, तो फिर एक आपराधिक छवि वाले जैसे अजय सिंह को टिकट नहीं दिया गया जैसी खबर है, जैसे लोग बातें करते हैं कि उसी छवि की वजह से अजय सिंह को तो टिकट नहीं दिया गया लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, तो ये क्या सही है, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, इसमें शहाबुद्दीन की पत्नी के बारे में आपने कहा, तो 2009 में भी शहाबुद्दीन की पत्नी खड़ी थी, हाँ, हार गई थी। उस समय लाख प्रयास करने के बाद भी, मैंने जेडीयू जी का साथ देने के बाद भी ओम प्रकाश को टिकट नहीं मिला और ओम प्रकाश उस समय निर्दलीय खड़े हुए और ओम प्रकाश का साथ हमने दिया। हमसे आकर के उन्होंने कहा कि चाचा जी थोड़ा मदद चाहिए, हम कि मदद देंगे, क्या चाहिए हमसे बोलिए, तो रुपया पैसा ना चाहिए, रह देह चाहिए, हमारा के दो चार दिन साथ हैं, हमारा घूम चली, जय रोज कहे हम घूमें उनके साथ। उन्होंने कुछ कहा, हम भी कुछ कहे, ऊपर वाले की मर्जी, निर्दलीय होते हुए उन्होंने जीत हासिल की। ब्रिशिर पटेल खड़े थे यूनाइटेड जनता दल से, हार गए बेचारे। सेकंड में 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय ओम प्रकाश यादव को भाजपा का टिकट मिला, मोदी जी आए हुए थे राजबंशी नगर में, तो मोदी जी के मंच पर हमारी बुलाहट हुई, वहाँ भी जा करके हम शहाबुद्दीन जी पर विपक्ष में कुछ बोले, अब मोदी की लहर थी, वोट तो मिलना ही था भाजपा को, फिर जो है ओम प्रकाश जी आ गए। इस बार ओम प्रकाश जी को टिकट नहीं मिला क्योंकि यह जो है बंटवारे में जो है सिवान को या इस तरह से 5-6 जगहों को काट दिया गया, 23 जगह में 17 जगह शायद भाजपा को मिला है, 17 जो है उनको मिला है। उस स्थिति में यह टिकट कविता सिंह को दिया गया। ये तो ठीक है कि अजय सिंह भी जो है अपराधी है, शहाबुद्दीन भी अपराधी थे, पत्नियां दोनों में किसी की पत्नी अपराधी नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि अजय सिंह को अपराधी बनाया है शहाबुद्दीन ने, अजय सिंह अपराधी था नहीं, वो बनाया गया है शहाबुद्दीन के द्वारा। असल अपराधी तो शहाबुद्दीन है जिसने उसे भी अपराधी बना दिया, अपराध की दुनिया में हुआ गया। लेकिन निरसंस हत्या जिस तरह का कारनामा शहाबुद्दीन ने किया उस तरह का कारनामा अजय सिंह ने नहीं किया। अब इलेक्शन की जहां तक बात है तो मैंने क्या होगा ये तो हम नहीं बताएंगे, ऊपर वाले को जो मंजूर होगा सो होगा,
अपनी युगति होगी सोहनी, जो होनी होगी होगी, लेकिन स्पष्ट हम यही कहेंगे कि हम कभी भी जीवन में नहीं चाहेंगे कि ऊपर वाला वह दिन दिखलावे जो दिन हमने देखा। आपको यह बतलाया कि हर दुकान में कैलेंडर टंगा रहता था, जिसके दुकान दुकान में कैलेंडर नहीं, अगरबत्ती अगर भगवान की मूर्ति के तरह अगरबत्ती अगर नहीं दिखाता है तो उसके दुकान में ताला बंद करो। वो स्थिति तो अजय सिंह में नहीं है, उसने तो कैलेंडर नहीं बनवाया है मुसलमान लोगों के घर में आके अगरबत्ती दिखाओ, लेकिन तुमने तो हिंदुओं के दुकान में कैलेंडर लगवाया था। ये तो नहीं है कि उस समय जो है दूसरे किसी के झंडा लगता था, पूरे सिवान में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा छोड़कर एक भी झंडा किसी के दुकान किसी के मकान पर अगर दिखाई दे दे दूसरे पार्टी का, उसका मर्डर। झंडा नहीं लगना चाहिए, चाहे इधर से चाहे उधर से किसी तरह से उसके साथ कुछ ना कुछ होना है। तो ये दबदबा अब नहीं है, स्थितियां बदली हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वह स्थिति फिर दोबारा सिवान में कायम हो, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके बड़े बेटे की हत्या के मामले में अभी फैसला नहीं आया है, क्या चाहते हैं, क्या सज़ा आपकी तरफ से, आपको जो लगता है कि आपका जो आरोपी है शहाबुद्दीन, कैसी सज़ा चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि उस सज़ा में तो उम्र कैद की सज़ा हुई, इसके पहले भी और कैसे हैं जिसमें उम्र कैद की सज़ा हुई, तो उम्र कैद उसमें जो है बेलोल मिला हुआ था, फिर हम चाहेंगे उसको भी फिर से दिखवाया जाए, उसमें भी जो है फिर उसका जितना भी बेल मिला है सब बेल टूट जाएगा। वो तो जबरदस्ती लालच दे करके डोब दे करके डरवा के धमका के और उसमें जो है पार्टी को मिला के तब तो बेल दिया गया है, जैसे हमको भी लालच दिया जा रहा था कि जो कहिए दे देते हैं नाम ना आवे, जो कहिए इधर भी खबर आया कि जो कहिए दिलवा देते हैं पहल कीजिए कि निकल जाए। तो हमारा बेटा तो नहीं ना दे देगा, सब कुछ हमको दे सकता है लेकिन हमारा बेटा नहीं दे पाएगा। अब हम पहल करके क्या करेंगे कि हमको कुछ अगर दे ये दे तो लेके क्या करेंगे, और किसके लिए लेंगे? छोटे बेटे बचे हैं आपके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीतीश राज, और वो विकलांग। हाँ, विकलांग है, विकलांग। आपकी पत्नी वो उनकी स्थिति क्या ये बाद में आपके सामने ही? ये स्थिति इनकी उसी समय से हुई जब जो है हमारे यहाँ दो बच्चों का मर्डर हुआ, और तब से इनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। तीसरे का मर्डर हुआ तब से एकदम, ये तीसरा ही लड़का बड़ा वाला लड़का जो है वही इनका इलाज उलाज कराता था, पहले गोरखपुर ले गया, दिल्ली ले गया, एम्स में और लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद वहाँ से नहीं ठीक हुआ तो सोनीपत ले गया। उसकी हत्या के कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी ना, 22 रोज पहले शादी हुई। तो देखिए, आपने कहा है जिस रोज गवाही देने गया था पहले पहल, तो शहाबुद्दीन ने जज के सामने ही कहा था कि अच्छा तत्व इतम पहले कह दिया था कि गवाही हम देंगे अपने भाइयों के लिए, हम पैसा नहीं लेंगे गवाही देंगे। तो कहा कि अच्छा तत्व दे गवाही, हम ब्याहो कराई ले, शरादो कराई ले। ब्याहो कराई और शरादो कराई, हाँ, ब्याह भी कराते हैं श्राद्ध भी कराते हैं, तो दे गवाही। आ ई बात कटघरे में जब ही खड़े होकर बात कर रहे थे तो उसी चैम्बर में जज साहब बैठे हुए थे, वकील लोगों के बगल में उठा और उसी जगह बोला, जज साहब मुंह घुमा दिए थे ऐसे, बात को अनसुना कर दिए, और उसी जगह उसी स्टेज में उसने कहा है कि हम ब्याह कराइए श्राद्ध कराइए। अब ठीक है, वही बात आया कि ब्याह तो हो गया, श्राद्ध भी हो गया, 22 रोज बाद हत्या हो गई, श्राद्ध भी हो गया, ब्याह भी हुआ श्राद्ध भी हुआ। 22 रोज पहले शादी हुई थी जब आपके बड़े बेटे का मर्डर हुआ, क्या हुआ उनकी पत्नी का? उनकी पत्नी मर्डर के बाद जो है वो अपना घर छोड़ करके यहाँ से चली गई मैके अपने, और उसके माता पिता हमसे रिक्वेस्ट किए कि अब इस लड़की की शादी हम दूसरी जगह कर देंगे, जो कुछ भी हम लोग दे पाए हैं आप कृपया लड़की समझ करके, गरीब समझ करके,
जैसे भी हो हमारा चीज वापस कर दीजिए। तो हमने बहुत कहा कि बच्चा एक है, आज जो कुछ है इन्हीं लोगों का है, यहाँ भी यहाँ ही रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो लोग तैयार नहीं हुए कि नहीं, यहाँ वह रहना ही नहीं चाहती। जब नहीं रहना चाहती है तो उनका जो भी सामान लोग दिए थे, अपना उनका पलंग बिछावन बर्तन सर्तन कपड़ा हो गया, नगद कैश 1,00,000 रुपये दिए थे, वो सब कुछ उनको हम दे दिए, अपने गाड़ी से साज करके लदवा के उनके घर भिजवा दिए। उन्होंने दूसरी शादी की? हाँ, दूसरी शादी उस लड़की की बनारस में शादी हो गई। कुल कितने बच्चे आपके? हमारे कुल 6 बच्चे हुए, 2 बच्चियाँ 4 लड़के, एक तो छोटे वाले को बता ही दिए कि विकलांग हुए, और 3 अच्छे थे, एक बड़ा वाला लड़का एमए कर गया था, 2 हमारे छोटे लड़के बीए कर गए थे, दोनों लड़की हमारी एमए कर गई थी। तो एक की शादी तो हम पहले ही कर चुके थे, कांड के पहले एक की शादी हम कर चुके थे। एक लड़की थी जिसकी शादी के लिए हमने बहुत प्रयास किया, कई जगह दौड़ा, लेकिन लोगों के जेहन में एक ही बात थी कि आपको तो शहाबुद्दीन से झगड़ा है। अरे हमको शहाबुद्दीन से कहाँ कोई झगड़ा है भाई, हमने कभी उससे झगड़ा किया ही नहीं, ये तो सब कुछ उसने किया है, हम तो अपने जीवन की भीख मांग रहे थे उससे। तो लोगों के दिमाग में यही बात है कि शहाबुद्दीन का खौफ इनके ऊपर है तो इनके यहाँ शादी कैसे करें। तो लड़की की शादी के लिए हम कई जगह गए, लोग यही कहता था कि प्रमुखता चंदा बाबू हम आपको देते, लेकिन आपके यहाँ शादी करें तो आपके रिश्तेदार समझ करके हमारे यहाँ शहाबुद्दीन कुछ करवा दें, तो इसलिए हम असमर्थ हैं, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। लेकिन खैर, एक जो बच्ची बची हुई थी जिसकी शादी यहाँ के स्थानीय लोग तैयार नहीं हो रहे थे, उस लड़की की शादी हम देवघर में किए, वो लड़की देवघर में है, आज सुखी हैं लोग। तो दोनों लड़कियों की शादी हम कर चुके, बेटे की, छोटे बेटे की। और रही बात कि लोग यहाँ आने जाने में, हमारे दामाद या बेटी, ये लोग आने जाने में भी डरते हैं, अभी भी डरते हैं शहाबुद्दीन के डर से, आना नहीं चाहते लोग, आते भी हैं तो 1-2 रोज रहेंगे चले जाएंगे। छोटे लड़की की शादी में यहाँ बैराजी के कुछ लोग थे, यहाँ लोग कहते थे कि भाई वो शहाबुद्दीन जो है एक को मरवाइए दिया, वो लड़की मुस्मात हो गई तो वो अपना दूसरा शादी कर ली, या इनके यहाँ ही लड़के को जो है कौन शादी करेगा, बिरादरी में जिसके पास लड़की ज़्यादा हो उसको काट के कुएं में फंसा देगा, लेकिन इनके यहाँ शादी नहीं करेगा, डर से कि शहाबुद्दीन इसके साथ में कुछ कर देगा। तो लोग तैयार नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों को अपने दाल रोटी की समस्या थी, बर्तन अपने हाथ से मांजना, चावल रोटी अपने बनाना, सब कुछ अपने हाथ से करना, बनाते थे, मांजते थे, धोते थे, करते थे, अपने ही हाथ से हम लोग करते थे। तो उस समस्या का हल समाधान कैसे हो, इसके लिए हम सोच रहे थे कि किसी तरह से ही लड़के की शादी कर दें। तो लास्ट में जो है, जब बिरादरी के लोग तैयार नहीं हुए, तो हमने ये लड़के की शादी इंटरकास्ट शादी कर दी, इंटरकास्ट शादी कर दिए हैं। लड़की ठीक है, लड़की में कोई दोष नहीं होता है, कष्ट कर दिए सारी, क्या कहा जाए। हम समझ नहीं पाते कि डेमोक्रेसी में जो जनता का राज होता है, जनता चुनती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जनता ये भी है, जनता और भी, हम आप सब जनता है। मेरे समझ में नहीं आता कि शहाबुद्दीन जैसा इंसान कैसे इतने ऊपर उठ जाता है, कैसे वो इतना बड़ा पावर सेंटर बन जाता है कि बड़े बड़े नेता
बड़े बड़े मंत्री उसके आगे हार मान लेते हैं, हथियार डाल देते हैं, उससे डरते हैं। कैसे एक पूरा शहर, कैसे एक पूरा ज़िला, उसके आसपास की जगह उस इंसान के आगे घुटने टेक देती हैं। क्यों, कैसे कैसे वो इतना इतना ताकतवर बन जाता है कि वो लोगों की तकदीर बनाने और बिगाड़ने लगता है, कि पूरा शहर पूरा ज़िला उसे साहिब के नाम से पुकारने लगता है। कैसे कैसे एक अपराधी इतना स्वीकार्य बन जाता है, तो हमें ये समझ में नहीं आता। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि अभी शहाबुद्दीन के ऊपर और भी कई मामले हैं जिनमें फ़ैसला आना बाकी है, लेकिन जिनमें फ़ैसला आ गया है उनमें वो अंदर है। है बोला है मैंने, याद रखिएगा, है नहीं बोला, क्योंकि ऐसा व्यक्ति है, यानी कि किसी भी सम्मानजनक उसके संबोधन का पात्र नहीं है। और बाकी हम चंदा बाबू को क्या ही दिलासा दें, काफ़ी वक्त बीत गया है। बस एक बात बताइए कि जब समय बीत जाता है, कोई अपना चला जाता है, जब समय बीत जाता है, तो क्या एक वक्त के बाद जाकर उसका चेहरा धुंधला होने लगता है क्या, उसकी यादें धुंधली होने लगती है क्या? यादें, देखिए कुछ भी हुआ, यादें तो धुंधली, जब तक जिंदा हैं हम बच्चों की यादें तो हमको धुंधली नहीं होगी, वो तो याद रहेगा। धुंधली होने का थोड़ा देर के लिए गम को भुलाते हैं जरूर, लेकिन जब याद आता है तो जी करता है कि खूब रोए। लेकिन उससे कुछ मिलने को नहीं है, इसलिए जी को महसूस के कचोट के किसी तरह से हम रखते हैं। चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो, है ना? बताइएगा और क्या किया जा सकता है। धन्यवाद देखने के लिए। देखिए एक बात और कहेंगे, एक बात ये कहेंगे कि शहाबुद्दीन के ऊपर ये आपराधिक मामले में आजीवन कारावास की कई सजाएं हैं, एक नहीं, हमारी ही नहीं है, और भी सजाएं, और एक ही आदमी पर कई बार आजीवन कारावास चलता रहे, यह एक नियम और कानून की चीज हमारे समझ नहीं आता है कि सबको मिला जुला के अब उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। एक बात और बताइएगा, ख़त्म करेंगे बस इस सवाल पर, कॉमरेड चंद्रशेखर, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनको ये शहर याद करता है क्या कभी? उनकी भी हत्या हुई थी शहर में, बीच चौराहे पर हत्या हुई थी। कॉमरेड चंद्रशेखर को मैंने दिन दहाड़े जो है गोली मारा गया था, और वो अभी इनके खिलाफ बोल रहे थे और उसी समय गोली मारा गया। इतनी यही तो चीज़ है कि शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई बोले नहीं, कोई खिलाफ आवाज़ नहीं उठावे, यही तो बता रहे हैं कि यह जो है दबदबा कैसे कायम की, यही तो वजह है कि जो खिलाफ बोला मारा गया। तो खिलाफ बोलने वाले वो तो बड़े नेता हैं, नेता था बेचारा, स्कूल का छात्र था, या जो भी मैंने लोग थे, एक मारवाड़ी हैं भाजपा के, कह रहे जी जो मारे गए, तो क्या पत्रकार की हत्या की बात? ना 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 ना, कोई बात नहीं, मैसेज मिल गया आपका। उनको मरवाइए दिया, अरे जो भी उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला मारा गया। तो वैसी स्थिति में कोई उनके बारे में एक शब्द जो है कुछ बोलना भी नहीं चाहता था कि भाई बोलो मत। हाँ, अरे क्या बोलता था यार, मत बोला साहब जी, बताए जानत नहीं खा। अभी भी इस शहर में ऐसा माहौल है कि कोई चौराहे पर या खुले हम शहाबुद्दीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अब लोग बोलते हैं,
बोलते हैं? अब बोलते हैं, अब लोग बोलने लगे हैं, फिर भी खौफ है लोगों में, फिर भी लोगों में खौफ है। ऐसे तमाम खौफ खत्म हो, ऐसे खौफ की नौबत भी ना पड़े, बस इसी नोट पर ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया।